मैं सिर्फ म्यूजिक बजाना चाहता था और मैं एक हैवी मेटल बैंड में दिन रात सिर्फ प्रैक्टिस करता था, 10-15 घंटे गिटार बजाता था। और ऐसा समय था, मैं प्रभु में मैं बिलीव नहीं करता था। इवन दो आई वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, हम लोग चर्च जाते थे रीति रिवाज के लिए, चर्च जाते थे आते थे, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ECG क्रिश्चियन, ECG समझते, ऐसा आता ग्राफ, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ECG क्रिश्चियन, हम लोग ECG क्रिश्चियन थे। हाँ, संडे स्कूल भी जाता था, संडे स्कूल मेरे पास बहुत सारे प्राइजेस, मेडल्स, मेमोरी वर्स, सब चीज का मुझे मेडल मिल चुका था, बट मैं यीशु को जानता नहीं था। आई डिड नॉट नो जीसस पर्सनली। एंड मे बी यू आर सिटिंग हियर टुनाइट, मे बी मेनी ऑफ यू आर सिटिंग कंफ्यूज्ड, पॉसिबली शायद आप लोग कंफ्यूज्ड बैठे हैं। वो जो चोर था ना, वो चोर भी बहुत कंफ्यूज था लाइफ में। आदमी चोरी इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, करेक्ट? आदमी चोरी क्यों करता है? वो कंफ्यूज होता है, वो सोचता है। एंड रिमेंबर उस टाइम में ही वॉज लिविंग इन द रोमन ऑपरेशन, टाइम्स वर टफ, टाइम्स वर डिफिकल्ट, आज भी टाइम्स आर टफ। रशिया ने यूक्रेन को रातों रात हमला कर दिया। हम नहीं जानते कि आज में और कल में क्या फर्क है। 2019 में हमने एक 70 सिटीज का टूर ऑल ओवर US हमने किया, ओके? हमें नहीं पता था कि 4-5 महीने बाद पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो जाएगा और 1.5-2 साल तक और कोई टूर नहीं होगा। Amen. We are living in difficult days. We are living in uncertain days. How many of you believe we are living in difficult times? कल हो सकता है हमारे खाने के वांदे हो, कुछ भी हो सकता है, right? You believe? क्या आप देख रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। Tomorrow हमें नहीं पता कौन सा देश किस पे हमला बोलेगा। हमें नहीं पता कि चाइना ताइवान के बीच में क्या हो, चाइना इंडिया के बीच में क्या होगा। And Israel was living in tough times. Romans had come. Romans ने पूरी तरह से अपना दबदबा लगाया, religious laws पर अपना काबू और कब्जा कर दिया, और इसीलिए लोग चोरी करने लगे भूख के मारे, ब्रेड के लिए, you know, people started stealing and robbing. And that's what happens जब times become difficult, crime increases. And in that time, वो जो चोर था पूरी तरह से कंफ्यूज था। मे बी आई एम टॉकिंग टू समवन हियर एंड मे बी यू आर 15, मे बी यू आर 20 इयर्स ओल्ड, मे बी यू आर 25 एंड यू आर कंफ्यूज्ड। आई वाज 19 इयर्स ओल्ड एंड मेरे दिमाग में पूरी भेलपुरी बन गई थी। भेलपुरी समझते हैं? यू नो भेलपुरी, बॉम्बे का सबसे फेवरेट डिश है। दिमाग में भेलपुरी हो गई थी, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मुझे अपने माता पिता का सुनना है, मम्मी डैडी का सुनना है, पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है। मेरे पापा हमेशा बोलते थे इंजीनियर ही बनेगा। जिस दिन मैं पैदा हुआ बाप ने बोला इंजीनियर बन गया, वो अलग बात है, बाद में स्टोरी है। पर मैं नहीं बनना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता था इंजीनियर। मुझे क्या पसंद है? ये बचपन से मेरा सपना था। बचपन से मैं म्यूजिक सुनता था, पागलों की तरह म्यूजिक सुनता था। मैं सोचता था एक दिन मैं बड़ा होके ऑफिस में नहीं बैठूंगा, एक दिन मैं बड़ा होके 9-to-5 जॉब नहीं करूंगा। Amen? मैंने सोचा कि मैं एक दिन बड़ा होके पूरी दुनिया घूमूंगा म्यूजिक के साथ। ये मेरा बचपन का सपना था। लेकिन बीच में पापा आ गए, पूरा खेल बिगाड़ दिया। ऐसा म्यूजिक बंद कर, गिटार हटा दे। और बहुत मुश्किल था, तो वो टीनेज इयर्स में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तब मैं फुल कंफ्यूज, दिमाग में क्या थी? भेलपुरी, भेलपुरी इन द माइंड। एक साइड में माँ बाप, दूसरे साइड में फिर
जॉब, फिर ये, फिर बच्चे, फिर सेटल, फिर एक दिन कबर। क्या फायदा ये लाइफ में, क्या फायदा? थोड़ा फन चाहिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए। फिर एक ऐसा समय जब दोस्तों के साथ मैं पूरा दिन घूम के मैं एक रिबेल बन गया। टेंथ के बाद, टेंथ तक मैंने सोचा माँ बाप का सुनूंगा, इलेवेंथ स्टैंडर्ड से मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और मैं कॉलेज में गया और यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ा, अब मैं अपने कपड़े पहन के कॉलेज जाऊंगा और लेक्चर्स बंक करूंगा। फिर मैं कॉलेज जाके लेक्चर्स बंक कर करके बाहर जाके दोस्तों के साथ मैं सुट्टा मारता था और मैं सोचता था द सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। एंड उनके साथ में फिर वीड, चरस, गांजा, धीरे 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 दारू। फिर मैं कॉलेज में एक क्वार्टर लेके जाता हूँ एवरी डे। हंस रहे हो आप लोग, मतलब समझता हूं मैं। और वो, सॉरी ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन वो क्वार्टर के लिए पैसे किधर से आएंगे? तो मैं मॉल्स में जाता था, मॉल्स में जाके सबसे कीमती शर्ट पहनता था और बाहर आता था तो मॉल के बाद जो वो सेंसर है ना, साइड से निकलता था और वो शर्ट बाहर जाके उसका टैग निकाल के 500 रुपए में बेचता था। मेरी उम्र थी 16 साल 17 साल। और फिर वो जो पैसे आते थे उससे मैं अपना दारू खरीदता, क्योंकि घर में नो मनी, पॉकेट मनी बंद। जैसे घर पे पता चला कि ये लड़का ये सब कर रहा है तो पॉकेट मनी बंद। तो ये सब तरीके थे जब मैं बड़ा हो रहा था, पूरी तरह से कंफ्यूज माइंड में, भेलपुरी, फुल मिक्स, पर्पसलेस। और मैं दिन रात अपने दोस्तों के साथ बैंड में जैम करता था, एवरी डे जैमिंग। गिटार बजाता, फिर मैंने सोचा कि मेरे जो हीरोज थे जिमी हेंड्रिक्स, कर्ट कोबेन एंड ऑल दीज सुपरस्टार्स, मैं इनको देखता था, इनके सब गाने, इनका सिगरेट पकड़ने का स्टाइल, इनका गिटार पकड़ने का स्टाइल, लंबे बाल हो गए थे, गोटी एंड छोटी। और मैं सोचता था कि ज्यादातर आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो ज्यादातर ये जो हीरोज है 27 की उम्र में मर गए थे, या तो अलग अलग वेज से, अपने वॉमिट पे कोई चोक होके मरा, कोई स्टेज पे मरा, कोई ड्रग से मरा। और मैं भी सोचता था मैं भी एक दिन 27 में। सच्ची मैं ये सब सोचता था, मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी मजाक लग रहा है, अभी मैं 27 क्रॉस हो गया, बट मैं ये सब सोचता था एक दिन मैं भी। तो लाइफ क्या है, लाइफ एंजॉय करना है, जो भी करना है करो, मर जाओ, खत्म, नो पर्पस। मैं अपने आप से सोचने लगा अगर ये लाइफ में मीनिंग है तो मैं मीनिंग फाइंड आउट करना चाहता, अगर मीनिंग नहीं है तो आई डोंट केयर हाउ आई लिव, आई डोंट केयर मैं क्या करूं, अपने आप को खत्म भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग दारू भी उतना पीते थे, बहुत ज्यादा ओवरडोज करते थे हर चीज पे। सोचिए कहां से कहां प्रभु लेके आया है, आमीन। और फिर मैं इतना होपलेस और हेल्पलेस हो गया था, 12th स्टैंडर्ड में मुझे सिर्फ 56% मार्क्स मिले थे। मेरे डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम में डिजाइन बना दिया ताकि मैं जानबूझ के फेल हो जाऊं। लेकिन प्रभु ने कुछ ऐसा किया कि उसने स्वर्ग के सीसीटीवी कैमरास मुझ पर लगा दिए। आप पे अगर स्वर्ग का सीसीटीवी कैमरा लग गया ना तो आपका एफेयर खत्म, आप बच नहीं सकते, क्योंकि यीशु जो है आपसे इतना प्यार करता है कि सारे स्वर्गदूतों को बोले इस पे नजर रखना।
इसकी एक्सीडेंट भी हो सकती है लेकिन ये मरेगा नहीं। ये दारू भी पिएगा तो भी हम लोग नजर रखेंगे, कुछ नहीं होना चाहिए, खरोच नहीं आनी चाहिए, जान बचनी चाहिए, क्योंकि इस पर मेरी बुलाहट है। हालेलुया। मैं मेरे बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं। बाजू वाले को बोलो ये तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। आई डोंट केयर आप लड़का हो या लड़की हो, आप यंग हो या आप ओल्ड हो, जीसस हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। मैं बॉम्बे से अरुणाचल इसलिए नहीं आया हूं आपको एंटरटेन करने के लिए, मुझे ऑलमोस्ट 18 साल हो गए यही चीज करके, बट आई हैव कम टू पुश एंड टू गिव लाइफ इनटू यू। मैं जानता हूं आज की रात हम जो कर रहे हैं ना उसका इंपैक्ट कितना हो सकता है, पूरे स्टेट पर इसका इंपैक्ट हो सकता है अगर एक जन बच जाता है। जो हमारे भाई बहन जो ऑर्गेनाइजर्स है ना उनका भी यही सपना है, बेचारों ने बहुत बहुत सैक्रिफाइस करके, बहुत बहुत मेहनत उठा के, बहुत अपना फाइनेंसेस एक साथ कर करके ना इस प्रोग्राम को एक साथ किया है। लेट्स गिव इट अप फॉर देम, लेट्स गिव देम अ ब्यूटीफुल क्लैप ऑफरिंग। मैं उनको ना लास्ट में बुलाना चाहता हूं, आई वांट टू कॉल देम एट द एंड एंड आई वांट टू प्रे फॉर देम एंड आई वांट टू प्रे दैट गॉड वुड रियली ब्लेस देम। जब मैं उनका बर्डन उनका बोझ सुन रहा था, आई वाज सो ब्लेस्ड, बिकॉज मैं एक ही कारण के लिए जी रहा हूं, मुझे कब मरना चाहिए था, 27 मेरी जिंदगी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु ने आज अगर मुझे बचा के रखा तो मैंने डिसाइड कर लिया हर दिन किसी ना किसी को हम बचाते ही जाएंगे, बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, आमीन। 27 का 72 हो जाएगा तो भी हम बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, आमीन। पता नहीं दांत रहेंगे म्यूजिक करने के लिए, दांत रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम करते जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन लोगों को बचाएंगे, यंगस्टर्स के पीछे हम लग जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको पुश करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे। सो मैं 19 ईयर्स का था, कंफ्यूज था, वो चोर भी यंग था, कंफ्यूज था, सूली पर लटका हुआ था, उस पर डेथ सेंटेंस लग चुकी थी, सजा ए मौत, रोमन पर्सिक्यूशन, रोमन पनिशमेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे दर्दनाक। रोमन्स ने पनिशमेंट को ऐसे इन्वेंट किया कि लोग दूर दूर से देख के भी लोगों को इतना खौफ हो जाना चाहिए रोमन गवर्नमेंट का। तब जब मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पर्पसलेस जी रहा था, हर घर में ना कुछ मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन बॉक्स होता है, आपके घर में है मेडिसिन बॉक्स, पैरासिटामोल, क्रोसिन और सैराडोन और जो भी दवाई उसमें रखते हैं, कभी भी कुछ भी बाई चांस चाहिए, हमारे घर में भी एक मेडिसिन बॉक्स होता है। और मैं अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था, इतना डिप्रेस्ड हो गया था, 18-19 ईयर्स में चरस, गांजा, सिगरेट, दारू, नशा कर करके इतना परेशान हो गया था कि मैं वो मेडिसिन बॉक्स खोल के जो भी दवाई हाथ में थे मुट्ठी भर भर के दवाई खा के सिर्फ सो जाता था, सो दैट आई डिडंट वांट टू गेट अप द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैं उठना नहीं चाहता, मैं परेशान था, बहुत डिप्रेस था, डार्क प्लेस में था, अंधेरे में था। ये जो हम गाने गा रहे हैं ना वो ऐसे नहीं, वो असलियत है। और मैं बहुत अपने आप से परेशान हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए थे, मेरे माँ बाप को मेरे पॉकेट में न्यूज़पेपर में रैप ड्रग्स मिलते थे, मेरी माँ परेशान हो गई थी कि करे तो करे क्या, सब जगह फोन करके प्रेयर टावर, ये टावर, वो टावर, सब जगह प्रेयर के लिए फैलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कई माँ बाप ऐसे होंगे इधर जो आज बैठे हैं, जो अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, शायद आज माँ बाप और बच्चे भी यहाँ आए हैं, और शायद आज की रात आपके लिए एनकाउंटर की रात है। मेरी आज की रात प्रभु किसी माँ की प्रार्थना को सुनने जा रहा है, सुन तो लिया है, आज शायद उसका उत्तर मिलेगा। आज शायद कोई बाप है जो बोल नहीं पाता है, आदमी लोग ज्यादा बोलते नहीं, कम बोलते हैं,
आज शायद कोई बाप ऐसा है जो अपने बेटे को खोते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से निकलते हुए देख रहा है, शायद यहां पे बैठ के रो रहा है। प्रभु आज उस बाप को भी देख रहा है। हालेलुया। अगर आप एक बाप हैं और अगर आप एक माँ हैं और आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो सोचिए कि प्रभु आपसे कितना और प्यार करता होगा। आमेन। कि वो एक को भी खोते हुए नहीं देखना चाहता इस पूरी भीड़ में। एवरी वन ऑफ यू स्पेशल। पर्सनल रिलेशनशिप है उसका आपके साथ, वो पर्सनली आपको देखता है। वो सिर्फ मुझे अलग से ये सेलिब्रिटी है और ये लोग आम लोग ऐसा नहीं देखता है। आमेन। वो आपको भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे प्यार करता है और वो आज आपको देख रहा है। तब मैं घर पे बैठता था और डिप्रेस था, मेडिसिन बॉक्स को कंज्यूम कर रहा था और सोच रहा था कि कब एक दिन ऐसा होगा जब मुझे सुबह उठ के देखना नहीं पड़े। हेवन और हेल के बारे में मुझे नहीं पता था, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिव। सुइसाइडल हो गया था। मैंने गूगल सर्च किया, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डाई विदाउट पेन। लटकने से डर लगता है, कूदने से डर लगता है, हड्डी हड्डी टूट जाएगी, ट्रेन के सामने बहुत डेंजर है। तो ये सब सोचता था तो प्रॉबेबली वो कुछ ऐसा कंज्यूम करना, आज मेडिसिन लेना, शायद मे बी वन डे, मैं ऐसे सोचता था। पर प्रभु ने मेरे ऊपर क्या लगाए थे? सीसीटीवी कैमरा लगाया था। फिर एक ऐसा समय आया जब मेरे दोस्तों ने मुझे एक प्रेयर मीटिंग में बुलाया। उन्होंने कहा, भाई तू प्रेयर बोलने से पहले मैं भाग गया वहां से, क्योंकि मुझे प्रेयर मीटिंग की एलर्जी हो गई थी। क्या एलर्जी? मतलब नहीं जाना। चर्च से परेशान, प्रेयर मीटिंग से परेशान, सब भाषणबाजी से परेशान। मैंने कहा मुझे जब भी कोई आंटी, चर्च की आंटी दिखती थी, अबाउट टर्न, क्योंकि मुझे पता है वो भाषण देंगे मुझे। मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। कॉलोनी में, मोहल्ले में सब लोग बोलते थे, किसी के साथ भी घूमो बेटा लेकिन उसके साथ मत घूमो, मेरे बारे में बोलते। मैं ब्लैक शीप हो गया था। लेकिन यीशु ने क्या किया था? सीसीटीवी था। और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, पता नहीं क्यों। तब एक ऐसे समय मेरे दोस्त ने मुझे प्रेयर मीटिंग में बुलाया। प्रेयर मीटिंग में जब मैं वहां गया, तब उन लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज कम टू हेल्प अस प्ले गिटार। कुछ करना नहीं है, प्रेयर वेयर नहीं करना, सिर्फ गिटार बजाना है। तो मैं बोला हाँ यार, गिटार बजाने के लिए तो अपन किधर भी जाएंगे, चलेगा, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, मेरे को गिटार से मतलब है। तो मैं गिटार बजाने के लिए वहां जब गया तो स्टेज में मैंने अपना गिटार और एम्प कनेक्ट किया और मैं बजा रहा था, और ये लोग सब स्टेज पर अमेजिंग होली पीपल और मैं इधर पापी मनुष्य, अकेला पापी, सिगरेट मार के वहां गया प्रेयर मीटिंग में। एम्प में मैंने गिटार लगाया और बजा रहा था और ये लोग सब हालेलुया गा रहे थे। हालेलुया, हाले, तो मैं भी एक्टिंग कर रहा था। सबको देख के मैंने सोचा थोड़ा क्राउड में फिट होना है, एक्टिंग कर रहा हूं। एक्टिंग करते करते मैं देख रहा था, अरे यार कब जान छूटेगी, कब निकलेंगे इधर से, कब घर जाएंगे, फंस गए। लेकिन सबके साथ वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। फिर थोड़े टाइम के बाद उस क्राउड में एक औरत सडनली जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। मैं यहां पे गिटार बजा रहा था, वहां से आवाज आ रही, मैं सोच रहा हूं बाप रे आवाज किधर से आ रहा है। देखा तो उधर से एक लेडी, फुल डिस्को डांस चल रहा है, और मैंने सोचा बाप रे ये क्या यार,
ये क्या नया नाटक है। और देखा तो मुझे पता चला कि एक्टिंग नहीं कर रही है, रियल है। और वो जो प्रीचर उस दिन थे, जो अंकल प्रीच कर रहे थे, वचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि उसको थोड़ी देर के बाद उसको बुलाओ, बुलाओ प्रेयर, हम इसके लिए प्रेयर करेंगे, इसके अंदर से हम शैतान को निकाल देंगे। तो लोग स्टेज पर दो हट्टी कट्टी लेडीज ऐसा लेके आए, ऐसा लेके आए, स्टेज पर लेके आया, तो मेरी सचमुच में बैंड बज गई। मैं गिटार बजा रहा था, मैंने बोला यार स्टेज पर लेके आया उसको, वो स्टेज और मैं खड़ा हूं गिटार बजा रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेट करने का। डर लग रहा था मुझे, ये सब मैंने मूवीज में देखा है, एग्जॉर्सिस्ट और ये सब मूवीज देखी है, बट ये रियल लाइफ में हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोलने लगा, वो अंकल जो प्रेयर कर रहे थे, अंकल हाथ रख के प्रेयर कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर को छोड़ के इसी वक्त निकल जाए। और दुष्ट आत्मा अंदर से बोलने लगा, 15 साल से इस औरत के अंदर हूं, इसके दो भाइयों को ले जा चुका हूं, इसको भी लेके जाऊंगा। नहीं प्रभु नहीं, वो प्रभु के पावर से अफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अपना पूरा प्लान बताने लगा। वचन में लिखा है कि चोर चोरी हत्या और नाश करने के लिए आता है। शैतान रियल है, आपको पता है रियल है, शैतान फेक नहीं है, रियल है। मुझे नहीं पता था, लेकिन उस दिन पता चला। मैं गिटार लेके एम्प लेके देख रहा हूं नहीं, और ये सब देख रहा हूं, तो ये लोग प्रेयर कर, यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर को छोड़ के निकल जाए। अब सब लोग, अभी वो अंकल ने बोला सब लोग हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, मैं भी हाथ बढ़ाने लगा। बाप रे बाप, क्या जाएगा पता नहीं। सब लोग प्रेयर करने लगे, यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर को छोड़ के निकल जा। मैंने सोचा, मैंने बोला बाप रे बाप, शरीर छोड़ के जाएगा किधर। मैंने प्रे किया, मत निकल, उधर ही रख, उधर ही रुक, मत जा, क्योंकि 15 साल से उधर है, अभी जाएगा, इस स्टेज पे सब होली लोग हैं, ये लोग तो बच जाएंगे, वो आएगा तो सीधा इधर आएगा, गारंटी। मैं तो सिगरेट मार के आया, ये दुष्ट आत्मा जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा, कॉन्फिडेंट था मैं, पक्का ये आज इधर से गया तो मेरे अंदर ही आएगा। था मत निकल, मत निकल उधर ही। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो जो डर था, वो दुष्ट आत्मा का जो डर था, मैं देखने लगा कि वो दुष्ट आत्मा कैसे धीरे धीरे उसका पावर कम होता गया। नहीं प्रभु नहीं, मुझे छोड़ दे प्रभु, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे। फिर फाइनली उसने कहा हाँ ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूं। रोते रोते उसने कहा हे प्रभु तू प्रभु, और वो औरत जो है उधर ही गिर गई, गिर के वो उठी, कहा हूं मैं, मेरा नाम क्या है, क्या हुआ। उसको कुछ नहीं पता कि पिछले आधे घंटे से क्या हो रहा है। अब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, कल तक चरस गांजा मारने वाला बंदा आज आया है प्रेयर मीटिंग में, ये सब देख रहा है। फिर मैंने कहा मैं, अब वो जो डर था ना दुष्ट आत्मा के लिए डर था, वो डर सीधा यीशु मसीह पे ट्रांसफर हो गया। अब मुझे लगने लगा ये कौन है यीशु, इतना डेंजरस डीमन, 15 साल से उधर बैठा है, इसके दो भाइयों को डिस्ट्रॉय कर चुका है, आज सिर्फ नाम लेने से कुछ नींबू ने काटा, मिर्ची ने काटी, कुछ भी ऐसा
करना नहीं पड़ा, सिर्फ उसका नाम लिया, यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर को छोड़ के निकल जा। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, कौन आदमी है ये, कैसा नाम है? मेरे दिमाग की बत्ती हुई जल गई। मैंने कहा बाप रे बाप, मैं फुकट का डीमन से डर रहा था, डरना तो उससे चाहिए जिसका नाम लेने से ये सब होता है। मेरे दिमाग में मैंने ये सोचा, इसका नाम प्रभु यीशु तो खुद यहां पे नहीं आया, पर्सनली आया क्या? नहीं। फिजिकली आया क्या? नहीं। वो तो स्वर्ग में बैठा है, वो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका नाम लेने से चमत्कार होते हैं, सिर्फ नाम लेने से। अगर कोई आदमी यहां पे आएगा और कहेगा कि मुझे मोदी ने भेजा है ये करो, तो आप करेंगे नहीं करेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भेजा है आप ये करो, करेंगे नहीं करेंगे? ये नाम में दम है, अथॉरिटी है, इंडिया को रूल करने वाले प्रधानमंत्री है। उसी तरह से स्वर्ग और धरती, इसके लिए मैंने पहले पूछा राजा कौन है। स्वर्ग और धरती, जिसको सुनना है सुन ले, स्वर्ग और धरती, और धरती के नीचे एकमात्र राजा है, उसका नाम है, आपको कोई शक है? आपको कल 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 होने वाले कल पे डर है? कोई आपकी जान लेगा आपको डर है? क्यों? क्योंकि राजा वो है, साबित हो चुका है। उस बात को मैंने अपने आंखों के सामने देखा और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया। प्रश्न सुनना चाहते? उस प्रश्न ने मेरी जिंदगी को बदला। That question changed my life। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, अगर नाम ऐसा है तो आदमी असल में क्या होगा? अगर नाम ऐसा है, दुष्ट आत्मा चीख चीख के भाग रहे हैं, लोग बीमार लोग चंगे होते हैं, तो आदमी असल में क्या होना चाहिए? शायद वो अगर खुद अच्छा हो गया, वो पर्सनली नहीं आया, वो पर्सनली आएगा तो शायद भूकंप हो जाएगा, शायद धरती फटेगी। इतना पावर है, अगर नाम में इतना पावर है तो आदमी में उससे 10,000 गुना पावर होगा। आमीन। ये बात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं अपने लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूं? और मैंने प्रभु के सामने मैंने कहा, और मैं फिर धीरे धीरे रोने लगा। मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं जिंदगी भर तेरे बारे में सुना था लेकिन तू कौन है मैं जानता नहीं था। कानों ने सुना था, देखा आंखों ने, कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आंखों ने है। आज से प्रभु एक सिंपल डील, ये जिंदगी तेरे नाम कर दे रहा हूं। मैंने कहा प्रभु आज के बाद, ये मेरे लिए काफी था, ये साबित करने के लिए, इट वॉज इनफ टू प्रूव हो जीसस इज। शायद आपको कुछ और चाहिए, किसी और को कुछ और चाहिए, जीसस कैन रीच आउट टू यू ईच पर्सन डिफरेंटली। मुझे यीशु ने ऐसे छुआ। मैंने कहा प्रभु आज के बाद, कल तक मैं मेटालिका, सेप्टर, ये स्लेयर और ये सब गाता था, आज प्रभु मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं, आज के बाद अगर मैं एक और गाना गाऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए होगी। मैंने कहा प्रभु मुझे ये देखने के बाद मुझे नेम फेम और ये सब से कोई मतलब नहीं। प्रभु अगर मैं अपने बेडरूम में जिंदगी भर तेरे लिए गाना भी गाते हुए मिला, टॉयलेट में भी गाते हुए मिला, तो आई एम हैप्पी विद इट। आमेन। एंड मैंने अपनी जिंदगी को, परमेश्वर की इतनी उपस्थिति थी, और आज मैं बता रहा हूं कि आप में से कई लोग उस उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आज बहुत लोगों के जीवन बदलने जा रहे हैं। And I'll tell you, it's a miracle। आपको सोचना नहीं है, मैंने अपने आप को नहीं बदला, मैं 18 साल अपने आप से नहीं आया, वो हाथ पकड़ के चला चला के इधर तक लेके आया ऐसे। Amen? Because the Bible says, he who called you, He is faithful। वो जो आपको बुलाता है ना, वो वफादार है, वो faithful है, वो आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा। बीच में आप भटकेंगे, वो वापस पकड़ते हुए आएगा, shepherd की तरह पकड़ के लेके जाएगा।
और फिर आपके नैया को एक दिन पार भी कराएगा, और रास्ते में आप हजारों हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण भी बनेंगे। आमेन। Are you with me? Are you with me? आप लोग थोड़ा सा ऐसा पता नहीं इमोशनल हो रहे हैं या फिर, बट अपने बाजू वाले को बोलो ये तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। आमेन। Come on, किसी को आप नहीं जानते हो ना उसको बोलो वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। पीछे भी tell somebody वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। God has a plan for your life. This is the greatest miracle in the world. Amen. When Jesus changes one person, that is the biggest miracle. हाँ चमत्कार होते हैं, चंगाई होती है, बहुत लोग you know he does many powerful things. लेकिन जब एक दिल बदलता है ना, बहुत दिल जब उसका हो जाता है ना, that is the greatest miracle. Amen. मेरी जिंदगी पूरी तरह 7 अगस्त 2004 मेरी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो गई। जब मैं घर जा रहा था ना ऑटो रिक्शा में, मैं रोते हुए जा रहा था, मैंने कहा प्रभु मैं फिर कल उन दोस्तों को मिलूंगा, फिर से वो चरस के लिए बुलाएंगे, फिर से ड्रग्स के लिए बुलाएंगे, अब मैं ना कैसे बोलूं। तब पवित्र आत्मा ने अंदर से बोला तू बदल चुका है, मैं डील करूंगा। अगले दिन मेरे सारे नशे के हैबिट्स छूट गए, छूट गए। उस दिन के बाद एक सिगरेट नहीं, एक चरस या गांजा नहीं, एक दारू का बूंद नहीं। मैं जस्ट मिरेकल है, अंदर से डिजायर ही चली गई और मैं प्रभु के लिए एक नया व्यक्ति बन गया। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करने लगा एक दो महीने के बाद, तब वहां पे मेरे दोस्तों के बीच में दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। दोस्तों के बीच में, चर्च में नहीं, बाहर रोड पे प्रोफेसी होने लगी। ऐसे पवित्र आत्मा से प्रभु ने भर दिया और आज प्रभु आपके साथ भी वही कर रहा है। आमेन। बिकॉज मैं 19 साल का कंफ्यूज लड़का था, कब मरना चाहिए था मुझे, 97 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं था उस टाइम पे। कॉलेज ने बोल दिया तू घर पे बैठ बैठा, तेरे इतने पेपर्स बाकी है कि तुझे एक साल का ड्रॉप चाहिए। एक साल का ड्रॉप दिया मुझे, मैं घर पे बैठा था। उस ड्रॉप में प्रभु ने मुझे रीच आउट किया। मे बी समबडी सिटिंग हियर राइट नाउ एंड यू फील लाइक अ फेलियर, शायद कोई यहां पे एक फेलियर की तरह महसूस कर रहा है। मैं एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेलियर था, 10 में से 8 सब्जेक्ट में विकेट। मैथ्स में कितना मिला होगा, 0 दो बार। इंजीनियरिंग में फेल हुआ था। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग की पर्सनल सिचुएशन क्या है, पर मैं ये बोलना चाहता हूं मैं ड्रग्स कर करके मेरी दिमाग की भी जो क्षमता है ना कम हो गई थी। मैं बहुत डल था, बट स्लोली एंड स्टेडली जीसस चेंज्ड एवरीथिंग डे बाय डे। Some changes were immediate and some changes took time and still taking time. I'm still a work in progress. God is still working in me. But one thing has not changed, that love and passion that he has for me and I have for him. Amen. Woh nahi badalta hai. Bahut log meri zindagi mein aaye aur gaye. Theek hai bhai, tu aa raha hai, kal jayega. Theek hai? बट एक जन नहीं जाएगा। कौन है वो? यीशु। So think about it, the thief on the cross। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Very soon I'm going to call you to give your life to Jesus। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं। Tonight is a miracle night। आपको नहीं पता लेकिन कल से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Many of you, those who are believing this word, na, आप लोगों की लाइफ बदलेगी। मेरी लाइफ जब बदली मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप से डिजायर्स निकल गए। That's a miracle, मैं वही बोल रहा हूं। मेरे एफर्ट से नहीं हुआ, but the push and the pull was from heaven। आजा, 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 आजा।
फिर बाद में मैंने थोड़े चॉइसेस बनाए, हाँ मुझे नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैं एक एक चॉइस करता गया, मेरे चेन्स निकलते गए, मैं प्रभु के पास आता गया। मैंने कहा आपसे दोस्तों से नहीं मिलूंगा, अभी ये नहीं करूँ, अभी ये बंद करूँ, अभी ये म्यूजिक डिलीट करूँ, अभी ये वो। एंड स्लोली स्लोली आई फेल्ट द चेन्स लिफ्ट ऑफ मैन। एंड आई कांट टेल यू दैट हाउ ब्यूटिफुल जीसस इज, दैट स्वीट फेलोशिप। आज भी वो मेरे साथ है, कुछ बदला नहीं है, आज भी वो रिलेशनशिप बहुत प्योर है। आमेन। और मैं आपको बुलाना चाहता हूं उस रिश्ते में, क्योंकि जब आप उसके साथ आएंगे, ही विल ब्लेस यू। वो आपको बदलेगा, आपकी जिंदगी को चेंज करेगा, और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 10 में से 8 सब्जेक्ट में विकेट, अडियश ने बदला। मैं जाकर फिर से जूनियर्स के साथ में बैठ गया, नेक्स्ट सेमेस्टर से अकेला फेलियर, सब नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के धीरे धीरे सेमेस्टर आफ्टर सेमेस्टर बढ़ता गया। एंड आई फाइनली फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग विद अ फर्स्ट क्लास। हर सेमेस्टर में मेरे मार्क्स बढ़ते गए, पास क्लास, पास से बाद में बेटर एंड बेटर एंड बेटर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल था, बट यीशु ने कहा तू कर सकता है, ये तेरे कैरेक्टर को बना रहा हूं। आमेन। एंड सो एक दिन मेरे पास, मैं इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने ली और मैंने अपने डैड को जाके दिया, ये लीजिए डैडी, ये आपके लिए। आमेन। मैंने जॉब भी किया बाहर, मैंने कहा अब प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं और पूरी दुनिया को बोलना चाहता हूं कि यीशु असल में है कौन। Amen? और प्लीज मुझे मत रोको। And my life changed. Today I want to share that Jesus with you. I want to share my best friend with you. Amen. I want to share my Lord with you. Maybe you're sitting here, maybe you're young, maybe you are distressed, depressed, confused, condemned. Condemned. उस thief के जैसे सजाए मौत लगी थी, मे बी कोई आपको पहचानता नहीं, मे बी आप कंफ्यूज है कि आप लाइफ में आगे क्या करेंगे। आई नो सो मच ऑफ ट्रबल, ड्रग्स का प्रॉब्लम है अरुणाचल में, एनिमी लोगों को दबा रहा है, बट आई बिलीव टुनाइट आई कैन ऑलरेडी सी दैट बर्डन्स आर लिफ्टिंग अप, बर्डन्स आर लिफ्टिंग अप, द वेट इज लिफ्टिंग अप, आई कैन सी एंजल्स ऑल ओवर दिस ग्राउंड, I can see angels all over this ground. And they are here to help us. They are here to help you. The presence of heaven, the glory of God, Shekinah glory of God is descending like a cloud. Amen. So many of you are going to be blessed. You're going to become a history maker. I said, you're going to become a history maker. Father, we call upon your name. अपनी आंखें बंद करेंगे। And I just want to pray. I want to tell you one thing. I know this world is very tempting. I know this world is very beautiful. I know Instagram, Snapchat, यहां पे हमारा दिल हमारे फोन में है। But I want to tell you something. That Jesus is more powerful than all that. Jesus wants to become more personal in your life. जब आपकी लाइफ को चेंज करेगा ना, the world will see. The Bible says he put a new song in my heart. Many will see and fear the Lord because of that. Today heaven is descending. Just enjoy his presence right now. उसकी उपस्थिति को just enjoy करो. You say, Jesus, here I am. Just make your own personal prayer. कोई घाई नहीं, कोई हरी नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बोला आप पूरी रात चला सकते हैं। आपने भी मुझे इजाजत दी है। So we're just going to go slow and we're going to wait on the Lord. Yes, we have great songs coming up, but this is that moment right now. Come on, just breathe. सांस लो। आप लोग बहुत लोग depressed हैं अंदर से, दबे हुए, you're feeling stressed. Satan has no hold on you anymore.
शैतान का आप पे कोई हक नहीं है। We release the prisoners. We release the captive. We release all those who are broken. All those who have been abused. All those who are shattered inside. लोगों ने आपको, probably your parents, आपको बोल बोल के आपका हौसला तोड़ा है। अंदर से आप टूटे हुए हो, अंदर से आप confused हैं। मैं उन भाइयों और बहनों से बात कर रहा हूं। And there is a repairing process right now. God is repairing your heart. He's making a new heart. Jesus said, I will give you a new heart. I will give you a new heart. I will take out that old stony heart. वो पत्थर के दिल को मैं निकालूंगा। And I'll give you a new heart of flesh, a soft heart. जो दिल टूटता है, जो दिल रोता है, वैसा दिल मैं तुझे दूंगा, जो दिल नरम है। Today I believe God is touching many of His children. Come on, some of you are crying.